धोनी की सीएसके को मिल गई मैच फिक्सिंग करने की बहुत बड़ी सजा। बीसीसीआई ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। 2 साल के लिए फिर आईपीएल से बैन होंगे सीएसके और राजस्थान। जैसे ही सीएसके पर लगे फिक्सिंग के आरोप, उसी समय धोनी हो गए गुस्से से आग बबूला। कोहली ने फोन करके धोनी का बढ़ाया हौसला। संजू सैमसन को बाउंड्री ना मारने के लिए दिया गया था 10 करोड़ रुपए। सबूत देखकर आपके पैरों तले खिसक जाएंगे जमीन। जिसका डर था वही हुआ। करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले वन एंड ओनली वन महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर टूट पड़ा मुसीबतों का पहाड़। हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेने वाले मास्टरमाइंड धोनी पहली बार गुस्से से लाल पीले हो गए हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके एक बार फिर से 2 साल के लिए आईपीएल से बैन होने वाली है। एक बार फिर से पीली जर्सी वाली टीम आईपीएल में देखने को नहीं मिलेगी। मगर दोस्तों, इस बार धोनी के सब्र का बांध टूट चुका है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि अगर इस बार आईपीएल से सीएसके बैन होती है तो महेंद्र सिंह धोनी अपनी ही टीम सीएसके के खिलाफ कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। 11 साल बाद एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स और सीएसके वालों ने मिलकर आईपीएल जैसे खूबसूरत टूर्नामेंट को पूरे दुनिया भर में शर्मसार करके रख दिया है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक महामुकाबला खेला गया था। इस मैच को पूरे दुनिया भर के क्रिकेट पंडित पूरे सबूतों के साथ पहले से ही फिक्स बता रहे हैं। इस मैच पर मैच फिक्सिंग के कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैच शुरू होने से 24 घंटे पहले ही राजस्थान रॉयल्स के मालिक और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक ने आपस में मिलकर पूरी डील फिक्स कर ली थी कि इस मैच में किसी भी कीमत पर चेन्नई सुपर किंग्स को जिताना है और सीएसके को प्लेऑफ में एंट्री कराना है। पूरे फिक्सिंग के अनुसार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करना था और पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम को 150 रन के अंदर ही बनाना था। दोस्तों, जैसा राजस्थान रॉयल्स के मालिक और सीएसके के मालिक में आपस में डील फिक्स हुआ था, कुछ उसी तरह का क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिला था। इस मैच में संजू सैमसन ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए थे और पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 ओवर में सिर्फ 141 रन बनाए थे और धोनी की सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स द्वारा दिए गए 141 रनों के मामूली स्कोर को 2 ओवर पहले ही हासिल कर लेती है। मजे की बात यह है कि दोस्तों, इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों द्वारा कोई इंटेंट ही नहीं देखने को मिलता है। संजू सैमसन जैसा बल्लेबाज, दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 19 गेंदों का सामना करते हैं और एक भी गेंद पर बाउंड्री मारने की कोशिश तक नहीं करते हैं और बिना बाउंड्री मारे ही 19 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यहां तक कि जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल भी टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तो काफी लोग राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर ही मैच फिक्सिंग के कई सारे आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि संजू सैमसन ने इस मैच में बाउंड्री ना मारने के लिए 10 करोड़ रुपए की मोटी रकम लिए थे, इसी वजह से संजू सैमसन ने इस मैच में 19 गेंदों का सामना करते हैं और 19 गेंदों में किसी भी गेंद पर बाउंड्री मारने की प्रयास तक नहीं करते हैं और 19 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो इस समय पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के बीच हुए इसी मैच की चर्चा करी जा रही है। हर कोई यही बोल रहा है कि यह मैच पहले से ही पूरी तरह से फिक्स था। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को किसी भी कीमत पर जिताना ही था। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच फिक्सिंग से पहले से ही नाता रहा है। आप लोगों को तो याद ही होगा, आज से ठीक 11 साल पहले आईपीएल में ही राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक महामुकाबला खेला गया था। उस मैच में भी मैच फिक्सिंग के कई सारे आरोप लगाए थे। मजे की बात यह है कि उस मैच में भी राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन बनाए थे, जिसके बाद बीसीसीआई के अधिकारियों ने इस मैच पर मैच फिक्सिंग के कई सारे आरोप लगाए थे और जांच पड़ताल के बाद पता चला था कि इस मैच को पहले से ही फिक्स करा गया था। यहां तक कि राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को पाया गया मैच फिक्सिंग करते हुए और इन 3 खिलाड़ियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए बीसीसीआई ने इन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा था। खैर दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या चेपॉक स्टेडियम में अभी जो कुछ दिन पहले मैच खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, क्या यह मैच पहले से ही फिक्स था या फिर यह ऐसे ही अफवाह उड़ाया जा रहा है? आप लोगों को क्या लगता है?